प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है। देखिए तमाम रुझानों के बीच में उन्होंने ट्वीट किया, एनडीए पर तीसरी बार का उन्होंने दावा जताया है। कहा है कि आशीर्वाद के लिए परिवारजनों का नमन करता हूं, भारत के इतिहास में ये एक भूतपूर्व पल रहा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और एनडीए पर तीसरी बार भरोसा जताने के लिए आभार व्यक्त किया है। हालांकि 400 पार का नारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया था वो सीटें 300 तक भी नहीं पहुंच पाई, लेकिन ऐसे में एक बार फिर से कहीं ना कहीं ये साफ हो गया है कि वो तीसरी बार 1962 के बाद तीसरी बार देश आजाद होने के बाद रिकॉर्ड मतों से वो दोबारा एक शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने वाले हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो उन्होंने कहा है कि भूतपूर्व पल है जिसके लिए जनता का आभार, समर्थकों का आभार, कार्यकर्ताओं का आभार, जिन्होंने इस लोकतंत्र के त्यौहार में इतनी बड़ी भूमिका निभाई उनका आभार व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के इतिहास में ये एक भूतपूर्व पल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। उन्होंने पूरी तरीके से सभी समर्थकों कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया है। तो ये तस्वीरें निकलकर जो सामने आ रही है, भगवा रंग भले ही थोड़ा कम हो गया हो लेकिन अभी भी बहुमत के साथ है। आपको बात बताएं कि एनडीए 292 सीटों पर बहुमत के आंकड़े से बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि 241 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी केवल है लेकिन बहुमत में एनडीए इस वक्त नजर आ रहा है। इंडिया की बात करें तो 233 सीटें जो है बहुत लंबे वक्त से वो बनी हुई है। तो ये बीजेपी कार्यालय की तस्वीरें किस तरीके से देखिए, झंडे लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोगों में उत्साह है, गदा लेकर किस तरीके से खुशी है, उत्साह है। तो अब थोड़ी ही देर में कार्यक्रम शुरू होने वाला है। बीजेपी मुख्यालय की एक बेहद खूबसूरत तस्वीरें, लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया लेकिन लोग मौजूद हैं, खुशी लोगों में नजर आ रही है। तो ये खूबसूरत तस्वीरें, पीछे से गाने भी बज रहे हैं और जीत की हैट्रिक यहाँ पर एनडीए द्वारा लगाई गई है। तस्वीरें कहीं ना कहीं साफ कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने वाले हैं और गाना भी बज रहा है फिर एक बार मोदी सरकार। हालांकि नारा यही दिया गया था, एक नारा सच हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की तरफ से ये कहा जाता था कि बीजेपी की तरफ से जो भी नारे दिए जाते हैं चाहे वो 2014 की बात हो, 2019 की बात हो, सब सच होते हैं, लेकिन इस बार 400 पार का नारा तो सत्य साबित होता हुआ यहां पर नजर नहीं आया।